नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे ट्यूशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, स्नैपचैट में न्यू अपडेट आया है तो उसमें एक फीचर आया है 3D बिटमोजी ऐप्स का, तो उसे आप अपने प्रोफाइल में उस अवतार को कैसे सेट करेंगे, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी टॉपिक की बात करने वाले फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड और जान लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना फ्रेंड, पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन जो है उसे अपडेट कर लेना फ्रेंड। यदि आपका अपडेट नहीं है तो पहले आपको उसे अपडेट कर लेना फ्रेंड। तो आप प्ले स्टोर से जाके इसे अपडेट कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से अपडेट कर चुका है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसे ओपन करता हूँ तो इस पर टैप करूँगा फ्रेंड, इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के जस्ट बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अब 3D इमोजी यहाँ पे लगा चुका हूँ फ्रेंड पहले से। तो यही आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी को कि ये जो इमोजी है इसे कैसे लगाते हैं अपने फ़ोन में। तो इसके लिए फ्रेंड इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो नीचे कई ऑप्शन मिलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिट इमोजी वाले ऑप्शन पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे चेंज आवर आउटफिट एंड एडिट माय बिट इमोजी सेलेक्ट सेल्फीज। तो आपको यहाँ पे जो है अपना जो बिटमोजी है तो इसे अभी चेंज करना चाहते हैं, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसे चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आपको टाइप करना। जैसे टाइप करेंगे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3D इमेज आपको मिल जाते हैं। आप जैसे भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एडिट माई बिटमोजी तो इसे मैं एडिट करता हूँ जो अभी मैंने यहाँ पे लगाया था। तो इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे एडिट माई बिटमोजी या चेंज माई क्विफ्ट आउट क्विफ्ट तो इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे इस पर टैप करेंगे आप यहां से देख सकते हैं नीचे कई ऑप्शन मिलते हैं, आप इसे जैसे भी सेट करना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहां पे सेट करके जो है इसे फिट कर सकते हैं और अवतारीफाई यहां पे कर सकते हैं, अपना अवतार यहां पे अपने अकॉर्डिंग यहां पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे बनाता हूं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ब्लू फेस कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हेयर करके आप जिस जैसा भी हेयर आप यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे आई ड्रॉप है तो इस पर मैं टाइप करके यहाँ से देखता हूँ कौन सा फीचर है। तो यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे कई ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ पे कई फ़ीचर इसे एडिट करने के कुछ अट्रैक्टिव बनाने का आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे शर्ट वाले ऑप्शन पे टाइप करता हूँ। जैसे इस पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आपका जो 3D इमोजी है आप जैसे देख सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कई ऑप्शन हैं और यहाँ पे कैप का भी ऑप्शन है, आप इसे कैप लगा सकते हैं जैसा भी आपको जो भी कैप यहाँ पे पसंद आता हो तो उस कैप को भी एडजस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिर आपके बैकग्राउंड भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस पर हैंगर वाले ऑप्शन पे जैसे टाइप करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं एंड इसका जो करेक्टर है उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यू एरियबल है तो आप जिसे चेंज कर सकते हैं। और फिर नीचे यहाँ पे शूज़ का भी ऑप्शन है, यहाँ पे कई 3D शूज़ आपको मिलते हैं, जैसा भी आपको जो भी शूज़ यहाँ पे पसंद आता है उसे आप जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा सोच पसंद कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ, फिर उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर जैसे पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए नीचे को ऊपर जो है साइड में कई कलर मिल जाते हैं, आप जिस कलर में इस जैकेट को करना चाहते हैं आप उस कलर में भी कर सकते हैं इस जैकेट वाले ऑप्शन पर जैसे टाइप करके। तो चलिए इसका ऐसे ही ब्लैक वाला शायद ज़्यादा ही बेस्ट है तो मैं यही करता हूँ, इसका कलर जो वाइट कर दिया। आप यहाँ पे रेड टी शर्ट शर्ट जो भी है सब आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई क्लॉथ वाले जैसे ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे आप जो इस टी शर्ट का कलर्स एंड दूसरे साइज में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यही बैक रहने देते हैं, ये साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब आपको क्या करना फ्रेंड, यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे साइड के कॉर्नर पे ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आप इस पर टाइप करके आप जो है सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो अवतार है तो यहाँ पे सेट हो चुका फ्रेंड। अब इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो भी एडिट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है बिटमोजी जो है अवतार आप जो अपने फ़ोन में यहाँ पे सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड आप जो है ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे छोटे से वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।